राहुल गांधी जो कहते थे ना, मैं आऊंगा सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। साहब इतनी गोलियां चलेंगी, खोखे बटोरने वाले भी लखपति हो जाएंगे। तो आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी से जुड़ी घटना ने देश को हिला दिया है। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव से कथित तौर पर जुड़े एक घरेलू सहायक के परिसर की तलाशी के दौरान बेहिसाब नकदी की भारी मात्रा में बरामद की है। कथित तौर पर बरामद की गई नकदी की कुल राशि 20 करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे में जानना जरूरी है कि मंत्री आलमगीर आलम का इस मामले से क्या संबंध है। आइए हम इस मामले की गहराई से जांच करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईडी ने रांची में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम से संबंधित एक मामले के संबंध में कई स्थानों पर छापेमारी की। राम को कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान ईडी ने एक घरेलू सहायक के परिसर से 20 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए छापे के वीडियो में कथित तौर पर घरेलू सहायक से संबंधित एक कमरे में नोटों की नकदियों को दिखाया गया है। आपको बता दें कि आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री है। वो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। छापेमारी के मद्देनजर आलम ने धैर्य और संयम रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईडी जांच पूरी होने तक छापे पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। बाकी झारखंड में ईडी की छापेमारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि छापे का राजनीतिकरण करने से बचना महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आलम पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। जांच निष्पक्ष और निष्पक्ष होनी चाहिए और निर्दोष साबित होने तक सभी को निर्दोष माना जाना चाहिए। वैसे ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार भारत में एक गंभीर समस्या है। इस मामले में ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। तो इस तरह हमने जाना कि भ्रष्टाचार और काला धन भारत में गंभीर चुनौतियां हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कड़े कानून, प्रभावी जांच और भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक मानदंडों में बदलाव शामिल है। जहां झारखंड में ईडी द्वारा की गई छापेमारी से मंत्री आलमगीर आलम के एक सचिव से कथित रूप से जुड़े एक घरेलू सहायक के परिसर से बेहिसाब नकदी बरामद हुई है, मंत्री ने छापे पर टिप्पणी करने से इनकार किया है और ईडी जांच पूरी होने तक संयम की अपील की है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आलम पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है और सभी को निर्दोष माना जाना चाहिए। भ्रष्टाचार भारत में एक गंभीर समस्या है और ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।